Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys doing absolutely fine. तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन, जो कि आसाम का नॉर्थ ईस्ट का वन ऑफ द लार्जेस्ट पेपर मिल था कभी, एशियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट पेपर मिल. कभी हम लोग अंदर चल के देखते हैं कैसा होने वाला है और काफी इंटरेस्टिंग जर्नी होना है. लेट्स गो फॉरवर्ड. एक रेलवे ट्रैक इंजन के पास रुक गया है भाई, चल चल के देखते हैं. क्योंकि उसके बारे में हमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है. ये नया इंजन लगा हुआ है पर ये यूज़ हुआ नहीं अभी. एक्चुअली ये नया इंजन था, ये यूज़ होने वाला था. ये इंजन यूज़ होने से पहले इसका काम था बेसिकली बैम्बोस को खींचना या मटेरियल को सप्लाई करना. बट ये जैसे ही इंजन आया, जो कि इंडिया पे अभी है ही नहीं, ये इंडिया के गिने चुने इंजन में से एक है जो कि फॉरेन से इंपोर्ट किए जाते हैं दूसरे कंट्री से. दिस वन, ये ब्रांड न्यू इंजन जो इस पेपर मिल के लिए आया था, सड़ रहा है अभी और वो यहाँ पे अब सड़ रहा है. ब्रांड न्यू इंजन आके सड़ रहा है यहाँ पे. क्या इसमें से करोड़ों रुपए बाहर नहीं आ सकते थे भाई? बिल्कुल आ सकते थे. क्या इसमें से करोड़ काम पे भी लगाते थे? इसके से भी तो प्रोबश पता नहीं भाई, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना खींचने के लिए. मुझे यहाँ की चीजों को देख के और इसकी वैल्यूएशन देख के ये फीलिंग आ रही है कि ये पूरा मेंटली कुछ प्लान हुआ है, कुछ लोग हैं, तो चला है. कुछ गेम हुआ है, बहुत बड़ा गेम, बिग गेम. अदरवाइज ये पेपर मिल बंद होने वाले पेपर मिल में से नहीं था. अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे बैम्बू कट होते हैं. इससे सबको पता है कि पेपर जो होते हैं वो बैम्बू से बनते हैं, तो इट क्वाइट ऑब्वियस हमें उस चैम्बर पे जा रहे हैं जहाँ पे बैम्बू कट होते हैं. बैम्बू कट होने के बाद भाई यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे वो बैम्बू कट होने के बाद यहाँ पे रोल होते हुए आते हैं, वो बैम्बू स्टोर होते हैं वहाँ पे. ओके, फिर वहाँ से जाते हैं वो यहाँ से अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. ओके, चलो जल्दी से चल के उस चैम्बर को देखते हैं जहाँ पे बैम्बूस को कट किया जाता था, एंड इसके बाद हम फैक्ट्री के अंदर की तरफ जाएंगे. फैक्ट्रीज में भले ही रस्ट लग गया है बट ये सारी वर्किंग कंडीशन पे हैं अभी भी. इट क्वाइट ऑब्वियस गाइज, अगर मेटल पे मेंटेनेंस नहीं होगा तो रस्ट लगेगा, बट ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के मेटल्स हैं जिनको दोबारा यूज़ किया जा सकता है. ऐसा नहीं कि रस्ट लग के डैमेज हो जाएंगे. ओके गाइज, तो अभी हम लोग वहाँ पे सारे बैम्बूस को ड्रेन में डाल दिया जाता था, वहाँ पे पानी के प्रेशर के साथ उन बैम्बूस को इन बेल्ट्स के थ्रू बेल्ट के थ्रू आया करते थे. और इस बेल्ट पे शायद आराम से मेरा वजन भी ये ले सकता है. तो भाई जैसे चढ़े हैं आ जाओ भाई, वैसे मैं भी चढ़ जाता हूँ. ओके दैट्स रियली नाइस, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये बेल्ट, हम सबका वजन ले सकता है एक साथ. इतने सारे बैम्बूस के वजन लेते हैं, हज़ारों टन का बैम्बू का वजन ले लेता है, हमारा वजन और है कितना? दो खाते पीते 20 तो हैं हम लोग, और क्या है. इनका वजन थोड़ा ज़्यादा है, मेरा थोड़ा कम है. नहीं, लाखों टन लोहा ख़राब हो रहा है और उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, और इसके बाद पैसे की कमी है या फिर मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट की कमी है. दिस इज एक्सट्रीमली रिडिकुलस. एक ऐसा डिपार्टमेंट लॉन्च होना चाहिए इंडिया पे जो एटलीस्ट पुरानी फैक्ट्रीज या जो फैक्ट्रीज को बंद कर दिया जाता है उन फैक्ट्रीज का एक सर्वे किया जाए, उनके मटेरियल्स को डैमेज होने से पहले वर्क में लगाना चाहिए. बट ये चीज़ हमारे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है इंडिया पे. मैं तो भाई करप्शन बोलूंगा, पैसा. यहाँ पे जितने सारे मशीनरीज हम देख चुके हैं अभी, हाँ, और आगे भी देखने वाले हैं. ओके, इसको अगर रीयूज किया जाए ना भाई, रीयूज के ये पेपर ही यूज कर सकते हैं दोबारा, मशीन स्टार्ट कर सकते हैं. पेपर रीयूज अगर किया जाता है उसको, मतलब फैक्ट्री अगर दोबारा चालू हो जाते तो सबकी जान भी बचेगी और यहाँ का कुछ प्रोडक्शन भी होगा. दे दो ना भाई, रिलायंस को भी दे दो. ये हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है. यहाँ पे फाइनली पेपर को तैयार होने के बाद अलग अलग लोकेशन के लिए लोड किया जाता है गाड़ी में और यहाँ से रवाना कर दिया जाता है. वैसे इन लोग के पास रेलवे लाइन की भी फैसिलिटीज़ हैं एंड स्पेशल ट्रक्स आते हैं और वो उन्हें लोड करके जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट जैसी होती है वो फील किया जाता है. ओके, तो चलो हम दूसरे डिपार्टमेंट में चलते हैं क्योंकि हम दोबारा फैक्ट्री के उसी लोकेशन पर आ गए हैं. दिस इज़ प्रोडक्शन हाउस. जो पेपर्स पढ़ते हो ये वही सारे पेपर्स हैं, एंड जस्ट थिंक पेपर मिल की हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन की क्या हालत हो चुकी है. यहाँ पे पूरे साल भर में 1,00,000 टन की प्रोडक्शन हुआ करता था और ये प्रोडक्शन किए हुए सारे हैं. ओह माय गॉड, दिस इज हॉरिबल, कम्प्लीटली हॉरेबल.
यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ रोल्स ऐसे ही पड़े हुए हैं जो कि अभी तक काफ़ी अच्छे कंडीशंस पे हैं। ओ माय, वो शायद वेस्ट रोल है ना। एंड ये है वो न्यूज़पेपर जो हम पढ़ते हैं, वेरी हार्ड रोल, ये अभी बहुत अच्छी क्वालिटी में। इट्स नॉट न्यूज़पेपर, मतलब वही मटेरियल है जिससे जो है जिस पे न्यूज़ छपती है, राइट right. और अभी भी इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। वेल, मुझे लगा नहीं था इसकी कंडीशन आज 5 साल बाद भी इतनी अच्छी होगी। हम 2015 में ये मील बंद हुआ है एंड इसके बाद से इस पेपर की कंडीशन स्टील अभी तक इतनी अच्छी क्वालिटी है, हैंड्स ऑफ मैन। 5 साल तक बंद है तो 5 साल तक ये सड़ जाना चाहिए था, फिर भी ये काफ़ी हद तक अच्छा है भी। काफ़ी हद तक नहीं, काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छा है। हमने सोचा था अभी तक ये पूरी तरीके से वो गल चुके होंगे पेपर्स जो रोल्स है, बट 5 ईयर्स के बाद भी इसकी कंडीशन बिग थम्स अप, क्योंकि क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी थी। हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉरपोरेशन था, पेपर मिल, एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट पेपर मिल के साथ इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के पेपर्स को ये लोग बनाते थे। गाइस, जस्ट लुक एट द व्यू, एंड ये है वेस्ट पेपर एंड ये है उसका परफेक्ट रोल। इस रोल में पेपर को कट किया जाता था अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एंड उसके हिसाब से, एंड फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भेज दिया जाता था। एंड ये हो गया उसके वेस्ट, काफ़ी सारे वेस्ट हो गया भाई। ओ माय गॉड, यहाँ पे पूरा एक दलदल टाइप का कीचड़ जम गया भाई। आप आगे जाना चाहोगे? और गाइज, ये जो ऑटोमेटिक मशीन था यहाँ पे जो कि इसे लेके जाने का या फिर वेट का काम करता था, उसके ऊपर एक मेटल शीट बिठाया हुआ है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। चलो फिर आगे चलते हैं। चलो भाई, मशीनरीज की तरफ चलते हैं। मैं आपका फुटेज ले रहा हूँ। बी केयरफुल ब्रदर, ये फैक्ट्री 5 साल से बंद है। इनफैक्ट मुझे बुरा लग रहा है। नॉर्मली हम लोग इंडियंस में एक बार पेपर में हम लोग प्रिंट करते हैं, जनरली जो पूरे सिटी के लोग जो जिस पेपर में प्रिंट करते हैं वही पेपर अपने पैर के नीचे। अभी मेन पेपर मिल के अभी हम चैम्बर पे ऑलरेडी आ चुके हैं गाइस। ये मेन पेपर मिल का चैम्बर है जिसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है। सो गाइस, अभी मैं जो दिखाने वाले हैं हम लोग, ये है इस हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन का मेन मशीन जो हम ऊपर से देखते आ रहे हैं, उस वाल फ्रॉम जर्मनी। एंड और ये है उसका कंट्रोल रूम डिपार्टमेंट। वैसे ये ऑटोमेटिक मशीन है बट कंट्रोल रूम इज क्वाइट नेसेसरी। बड़ा मशीन है और इसको असेंबल किया गया है, राइट भैया? राइट, उत्मल। इट्स जर्मनी मशीन है ये। जर्मनी मशीन है उत्मल। यहाँ पे अव्वल क्वालिटी के पेपर्स को तैयार किया जाता था उत्मल। ओके, नाइस उत्मल। और ये इस मशीन कंट्रोल रूम है जो कि ऑटोमेटिकली पूरी तरीके से प्रोग्राम। मशीन का कंट्रोल रूम है उत्मल, मशीन का कंट्रोल रूम है। और अभी हम उस मशीन की तरफ जा रहे हैं। आई जस्ट यहाँ पे जाना, बट दिस इज द मशीन फ्रॉम जर्मनी, जहाँ से हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन नहीं और भी पेपर मिल्स के पेपर्स यहीं इसी मशीन में बन के तैयार होते हैं। That's really nice. ये रोलर्स अभी भी पड़े हुए हैं भाई, शायद इसमें रोल होके रैप होके रोल निकलते थे, राइट? एग्जैक्टली। और फिर यहाँ पे इनको डिवीजन किया जाता था। काफ़ी सारे थे और हर मशीन के लिए हर अलग अलग कैटेगरी के एम्प्लॉयज थे। हाँ भाई, हर मशीन के लिए अलग अलग कैटेगरी के एम्प्लॉयज रखे थे। ओके, एक्चुअली बेसिकली गाइज, ये यहाँ का ब्लू प्रिंट है फैक्ट्री का, दिस इज कॉल अ ब्लू प्रिंट। यहाँ पे अलग अलग चैम्बर्स के डिटेल्स एंड इसके मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से लेकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या फिर जो भी फैक्ट्री के जो जितने भी पार्टिकल जो पार्ट्स हैं जहाँ पे कुछ भी किया जा रहा है, फलाना ढिमकाना वट एवर इट इज, वो सारी चीज़ इस ब्लू प्रिंट में मैंशन है कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे है। ये मेन पेपर मिल का कटिंग मशीन है, ये प्रोडक्शन हाउस के एरिया में हम अभी आ चुके हैं ऑलरेडी। एंड ये इनका कंट्रोल रूम है, जस्ट लुक एट द कंट्रोल रूम गाइस। ये कम्प्लीटली कंप्यूटराइज है एंड सी ऐसा लग रहा है भाई मैं किसी एक मदर शिप जो है ना, हाँ, उसके कंट्रोल चैम्बर में आ गया हूँ और मेरी शिप जस्ट एक अंटार्कटिक ओशियन पे जा रही है जिसका कोई ठिकाना नहीं है, जैसे कि इस पेपर मिल का कोई ठिकाना नहीं है। एग्जैक्टली गाइस, एक काम करते हैं हम लोग, मोटर्स को और इस इंजन रूम को थोड़ा अंदर से देखते हैं। थोड़ा सा रिक्सी है बट हम ट्राई कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास टॉर्च आ चुकी है तो ट्राई करते हैं इसके अंदर घुसने का। काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है भाई। No!
एसी तो है बट वी डिसाइडेड कि हमें जाना है तो हम अंदर आ गए। इस फैक्ट्री का मोटर डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट। ओह माय गॉड भाई, यहाँ पे ज़बरदस्त हाइड्रोलिक्स है। आपको दिखाई दे रहा है रास्ता? कम हाइड्रोलिक्स है क्या? यस, यहाँ पे हाइड्रोलिक्स है और यहाँ पे ऑयल गिर रहा है लगातार। आई डोंट थिंक हमें ज़्यादा देर यहाँ पे रहना चाहिए। हाँ, इससे सीधे हाइड्रोलिक्स प्राइस। इतने हैवी मशीन से देखो। ओके, बहुत ही मुश्किल से मैं ये वाला शॉट दिखा रहा हूँ गाइस, क्योंकि ओके भाई इनके और अंदर जाना पॉसिबल नहीं होगा, तो बेटर कि हम बाहर निकल जाए। लेट्स गो बैक। रुको, हम लोग भूत की तरह लग रहे हैं बट इससे ज़्यादा हमारे लिए अंदर जाना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग बाहर निकल जाते हैं। इस बेटर कि इससे पहले कोई गलत चीज़ ना हो जाए। आई जस्ट लव माई प्रो। आज तक मेरे दोस्तों ने मेरे को साथ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जगह पे आना कभी एक्सेप्ट नहीं किया, बट मेरा भाई ठीक है, किसी भी जगह में तैयार हो जाता है जाने के लिए। लुक एट इट, मेरा दोबारा आने वाला है। इस प्लेस हम दोबारा आने वाले भाई। यहाँ पे ऑयल्स है, जूते में लग गया। ऑयल्स? यस, मेरे जूते में ऑयल लगा है। ऑयल है ये? यस, मेरे जूते में ऑयल लगा है गाइस। एंड मशीन है बेसिकली, यहाँ पे पेपर्स को अलग अलग शेप में कट किया जाता था गाइस। मशीन आज या कल चालू हो एक्चुअली डजंट मैटर, लेकिन जितने लोगों की लाइफ पिछले 5 साल से बंद हो गई है, मान लो कि गाइस कि उन लोगों की लाइफ तबाह हो चुकी है एंड मोर देन। और ये अभी इस कंडीशन पे भी नहीं है कि दोबारा कोई दूसरे फैक्ट्री या ऐसे HPC टाइप का कोई फैक्ट्री मिलेगा या फिर वहां जाके काम भी करेंगे। इनफैक्ट कोई नेसेसरी एक्शन लिया ही नहीं जा रहा है, छोड़ दिया गया है इनको। इनकी हालत पे एंड मोर देन, शायद मैंने इस बात को पहले भी मेंशन किया है, 2 लाख लोगों ने अपनी जॉब खोई है गाइस। 2 लाख लोगों ने, जहाँ पे नॉट अ मैटर ऑफ जोक, अगर 2 लाख लोगों ने अपनी जॉब खोई है, नाउ जस्ट थिंक गाइस 2 लाख लोगों की फैमिली भी होती है, तो 2 लाख लोगों की फैमिली मिला के कितने लोग होंगे? कैलकुलेशन कर सकते हो आप? कर सकते हो या गवर्नमेंट कर सकती है? आई डोंट थिंक सो भाई। बुरा लग रहा है लेकिन, देखिए सब बहुत बुरा लग रहा है। इतने अच्छे कंडीशन पे सारे मशीन है, देख रहे पेपर रोल्स है, कटिंग मशीन, प्रोडक्शन हाउस। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा भाई, बहुत ही जबरदस्त कंडीशन पे पेपर रोल्स। हाँ, कुछ बोलो। और वेस्ट पेपर भी तो हमने देखा है ना, कितने सारे वेस्ट पेपर पड़े हुए थे जमीन पे, वो यूज हुआ नहीं इसलिए सर गए पूरा। सो आर आई कमिंग। प्लेस इज रियली ऑसम गाइस एंड द थिंग इज व्हाट, कि यहाँ पे ये जो पूरा कंट्रोल रूम का एरिया है, ये हमेशा साल के 365 days 24 hours बिजी रहा करता था। एंड बेसिकली यहाँ पे जैसे तुम लोग देख पाओगे, यहाँ पे ये जर्मनी मशीन है जहाँ पे पेपर्स तैयार होते थे, और ये इंडियन मशीन है। बेसिकली दोनों का काम एक ही था, पेपर तैयार करना। इसमें अलग अलग क्वालिटी के पेपर तैयार होते थे, स्पेशली जो इंडियन मशीन है वहाँ पे जनरल पेपर जैसे बनते हैं हमारे लोकल पेपर या फिर वट एवर इट इज़, जो जनरल पेपर्स होते हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट क्वालिटी के लिए नहीं होते हैं, वो यहाँ पे बनते थे इंडियन मशीन में, और जो कि हाईली थिकनेस और काफ़ी अच्छे क्वालिटी के ब्रांडेड जो पेपर्स होते हैं या फिर कोई भी अलग अलग क्वालिटी के पेपर्स, तुमको पता ही होगा इतना सारा यहाँ पे मेंशन करके फ़ायदा नहीं है, वो इस जर्मन मशीन पे तैयार होते थे। सो गाइस जस्ट थिंक, ये दोनों ही मशीन का एक काम था बट इन दोनों के मायने डिफरेंट थे। गाइस ये जो मशीन देख रहे हो आप, ये जर्मनी वाला मशीन है, तो इसमें जो ये पार्ट है, ये सेगमेंट जो देख रहे हो आप, इसमें वो पेपर की GSM डिसाइड करते हैं, जैसे कि थिकनेस। GSM माने तो आप लोग थिकनेस समझो, जैसे कि वो 80 GSM हो सकता है, 70 GSM हो सकता है। जनरली हम जो A4 पेपर्स यूज़ करते हैं या FS पेपर यूज़ करते हैं, वो GSM 70 से 75 GSM तक रहते हैं। अच्छी क्वालिटी के पेपर 75 GSM जनरल स्टैंडर्ड में रहता है। तो ये सेगमेंट जो है मशीन की, वो GSM डिसाइड करता है, थिकनेस डिसाइड करता है। वहाँ पे पेपर डालते हुए आप नीचे देख सकते हो शीट में, वहाँ पे पेपर डालते हुए ये शीट अभी भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। एग्जैक्टली डैमेज नहीं हुआ भाई, ऑटोमेटिक नहीं था ये, पूरी तरीके से मैनुअल कंट्रोल में चलता था, तो इसका मैनुअल कंट्रोल था ये। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है गाइस, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन। वेल, अभी हम लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज इंडिया भी ज़बरदस्त तरीके से डेवलप कर रहा है, राइट ना। बट ये इंडियन मशीन काफ़ी पुरानी है, जिसके कारण ये पूरी तरीके से बहुत ही
लेकिन काम की है, सारे के सारी वर्किंग कंडीशंस पे है, वर्किंग कंडीशंस है, थोड़ी सी सर्विसिंग की जरूरत पड़ेगी शायद, जस्ट लाइक हमारी बाइक्स के तरह। फिर हम इस चैम्बर से बाहर निकलते हैं, इसके बाद हम मेन बात करते हैं, ठीक है। यहाँ का स्टीम इंजन, हाइड्रोलिक चैम्बर, जहाँ पे स्टीम के थ्रू एक टर्बाइन को चलाया जाता था, एंड वो टर्बाइन जब चलती थी तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का मेन रीज़न ये था कि जितने भी मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी इस पावर प्लांट पे आती है, और अगर सडनली वो कभी फ्यूज़ हो जाए या जनरेटर बंद हो जाए या एनीथिंग हैपन, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए, तो दैट टाइम इस इंजिन्स को एक झटके में बंद नहीं किया जा सकता है, और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक नुकसान वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। और साथ ही साथ इतने सारे वर्कर को एनीथिंग कैन हैपन, डैमेज भी हो सकता है, कुछ सीरियस भी चीज़ें हो सकती है, सडन इलेक्ट्रिसिटी चले जाए। इसलिए यहाँ पे एक स्टीम इंजन के थ्रू टर्बाइन को चलाया जाता था यहाँ पे, भट्टी जैसे बोल सकते हैं इसको शॉर्टकट में हिंदी में, और उसके बाद वो टर्बाइन चलती थी वहाँ से, यहाँ से 30 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी उस टर्बाइन से, और वो 30 मेगावाट इसको चलाने में काम पे आता था पेपर मिल को। बिग थम्स अप, बिकॉज ये चीज़ मैंने पहली बार सुना है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट में ऑलरेडी कितना मेगाटन की इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, स्टील एक टर्बाइन को वहाँ पे रखा गया है स्टीम इंजन के साथ, ताकि सडन ऑफ किसी इशू के लिए उसे कंट्रोल किया जा सके। बिग थम्स अप टू हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन। ब्रो की उंगली कट गई है, मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि सारी फुटेज को सब लोगों ने देख लिया, बट हम जिनका वेट कर रहे थे, जिनको हमने रिक्वेस्ट किया था कि आने के लिए हमारे पास, और जो यहाँ पे काम करते थे, यहाँ पे एक्स एम्प्लॉइज, तो वो सारे लोग आ चुके हैं हमसे बात करने के लिए, तो हम चलते हैं उन लोगों से बात करते हैं। और एक्चुअली जितनी इन्फॉर्मेशन हम आपको बोल नहीं सकते या बता नहीं पाएंगे, उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन वो लोग दे सकते हैं, 1000 times ज़्यादा और बेटर इन्फॉर्मेशन वो लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इनफैक्ट 2016 के बाद इनको किसी तरीके की सैलरी भी प्रोवाइड नहीं की गई है, और नॉट इवन प्रोविडेंट फंड या जो भी काट रहा था, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट 4 साल से इनको किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन नहीं मिला है, मनी एक्सपेंडिचर या कुछ भी नहीं मिला है। जैसे हम उनसे ही इस बारे में बात करते हैं, वो ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। सर्वप्रथम मैं आपके इस चैनल का आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि विगत 5 वर्षों से जिन परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं, शायद ही कोई गुजरने के लिए बाकी हो। 21 अक्टूबर 2015 से कछार पेपर मिल बंद हुआ, और 31 मार्च 2016 से नौगांव पेपर मिल बंद हुआ। दोनों मिल मिलाकर के हम 2 लाख टन से ऊपर कागज़ का उत्पादन प्रतिवर्ष करते थे। हमारी स्थिति अच्छी थी, मिल की स्थिति अच्छी थी, हम लोग सौभाग्यशाली कहलाते थे कि हम भारत सरकार के एक उपक्रम में कार्यरत हैं। हमारी दिनचर्या अच्छी थी, दैनिक अवस्था अच्छी थी, प्रगतिशील जीवन जीते थे, और सरकार की सहायता भी हम किया करते थे। कागज़ का उत्पादन अपने आप में महत्व रखता है, क्योंकि गुनाह कितने भी बड़े और संगीन क्यों ना हो, फैसले इन्हीं कागज़ के टुकड़ों पर लिखे जाते हैं। बिल्कुल सही। इसका मुझे गर्व आज भी है कि हम कागज़ उद्योग से जुड़े हुए कार्मिक हैं। आज हम हैं, हमारी सेवाएं नहीं हैं, हम कार्यरत हैं, हमारा वेतन नहीं है। इन परिस्थितियों में जब 45 महीने से किसी व्यक्ति को 2 पैसे नहीं मिल रहे हों, उनका जीवन यापन किस तरह हो रहा होगा, यह तो बहुत बड़ा आश्चर्य और खेद का विषय है। हमारा नाम अजीजुर्रहमान मजुमदार, जनरल सेक्रेटरी कछार पेपर प्रोजेक्ट, वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज यूनियन, इंडिपेंडेंट रिकॉग्नाइज्ड। तो पहले आप लोग को वेलकम करता हूँ कछार पेपर मिल में। हम लोग का बुरा स्थिति में आप लोग हम लोग का खबर लेने के लिए आया, इसीलिए कछार पेपर मिल। इट क्वाइट ऑब्वियस कि अगर अंकल लोग का सपोर्ट नहीं होता सबका, तो हम लोग यहाँ पे वो चीज़ कर भी नहीं पाते जिस चीज़ को हम इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हम इनिशिएटिव ले भी नहीं पाते अगर हमें HPC एम्प्लॉइज का सपोर्ट नहीं होता। तो थैंक्स टू यू गाइज ओनली, आप लोगों को थैंक यू कि आप लोगों ने हमें परमिट किया एंड सपोर्ट कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं कंस्टेंटली लास्ट 5 ईयर्स से अपनी एग्जिस्टेंट को बताने के लिए गवर्नमेंट को कि वी आर देयर। तो आप कुछ कहना चाहेंगे अंकल? धन्यवाद। देखिए, हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन का बड़ा 2 यूनिट है, एक है कछार पेपर मिल, वो 5 ग्राम में है, और दूसरा है नौगांव पेपर मिल, वो जागीरोड में है। वो दोनों यूनिट पेपर उत्पादन में एशिया का सबसे बड़ा पेपर मैन्युफैक्चरिंग मिल माना जाता था,
वो दोनों मिल में लाखों आदमी नियुक्त थे, काम करता था, कोई स्थायी में था, कोई अस्थायी रूप में था। लेकिन 2015 20 अक्टूबर काचार पेपर मिल का उत्पादन तुरंत बंद कर दिया गया। कोई नोटिस उसका बाद में 13 मार्च 2017 में नौगांव पेपर मिल का भी उत्पादन बंद करने का आदेश आया और उत्पादन बंद रख दिया। लेकिन आश्चर्य का बात यही है, वो दो यूनिट भारत सरकार का पब्लिक सेक्टर का एक यूनिट है, लेकिन आज तक किस वजह से वो दोनों यूनिट का उत्पादन बंद करना पड़ा है, सरकार का तरफ से कुछ नोटिस कुछ जानकारी आज तक किसी को नहीं मिला। मिल को जब 20 अक्टूबर को बंद किया तो वहां पे मेंशन किया गया था, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, किस रीजंस के लिए इसको बंद किया गया था, कुछ बताया गया था एनीथिंग? नहीं, विदाउट रीजन विदाउट शोइंग एनी रीजन। मतलब आपको कोई नोटिस भी नहीं मिली? कुछ नोटिस नहीं है, कुछ रीजन नहीं है। अचानक से बंद है okay. उसका पहले वाला दिन मान लीजिए 19 अक्टूबर 2015 में हम लोग का मोर देन 200 मेट्रिक टन इधर प्रोडक्शन हुआ था काचार पेपर मिल। मोर देन 200 मेट्रिक टन प्रोडक्शन होने का बावजूद नेक्स्ट डेट में दैट इज 20 अक्टूबर 2015 में मिल बंद कर दिया। था सर, जो काचार नौगांव पेपर मिल हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन का दो यूनिट है। अच्छा है, तो हम लोग का असम में बाम्बू पेपर प्रोडक्शन के लिए मेजर रॉ मटेरियल्स है और कोल। वो बाम्बू का फ्लावरिंग हो गया था 2007-8 उसी पीरियड में। तो बाम्बू फ्लावरिंग उसका बाद में मिजोरम एक सोर्स है हम लोग का मेजर सोर्स मूली बाम्बू लाने के लिए। तो मिजोरम गवर्नमेंट में अपना स्टेट के अंदर में बाम्बू ट्रांसपोर्टेशन का ऊपर और बाम्बू करिंग का ऊपर बैन इम्पोज कर दिया था। अच्छा, बैन कर दिया उनको? बैन इम्पोज कर दिया था। उसका बाद में आपका नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक ऑर्डर देकर मेघालय जो हम लोग का कोल लाता था मेघालय से, वो भी कोल का मेजर सोर्स था, वो भी बैन इम्पोज करने का बावजूद हम लोग नॉर्मली कोल इधर करीम कर नहीं पाया था। बोल रहे थे कि किसकी कमी के लिए ये बंद पड़ा हुआ था, मतलब किसकी कमी की वजह से वो रुक गया पूरा काम? सर, इधर जब बंद हुआ था तो इधर कोई रॉ मटेरियल का कोई कमी नहीं था। अच्छा, हमारा 49,000 मेट्रिक टन बाम्बू हमारा स्टॉक में आज का दिन में भी है, वो बर्बाद हो गया। अच्छा, आपका 13-14,000 मेट्रिक टन कोल भी हमारा यार्ड में आज तक भी पड़ा हुआ है। ओके, इधर आपका पर्याप्त परिमाण आपका लाइम भी था, जितना मेजर हमारा रॉ मटेरियल्स का जरूरत था हर मटेरियल्स स्टॉक में रहते हुए हम लोग का उत्पादन बंद कर दिया गया इधर। अच्छा, बाद में जो हम लोग प्रोडक्शन कंटिन्यू करने के लिए बांग्लादेश से हम लोग क्लोरीन मंगाना, तो आप लोग जो बांग्लादेश से क्लोरीन मंगाते थे क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया फॉर पॉल्यूशन, चलिए मान लीजिए पॉल्यूशन के लिए बंद किया, ये अच्छी बात है अगर पॉल्यूशन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसका सेकंड ऑप्शन तो डेफिनेटली वो होगा, पेपर तो छप रहे हैं एवरी रेगुलर बेसिस पे, स्टडी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं या न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं। उसका मॉडर्नाइज सिस्टम का प्लांट था, लेकिन वो इंस्टॉल करने का कोशिश करता तो कर लेता, इंस्टॉल करने की कोशिश नहीं किया। ऑप्शन था हमारे, यस ऑप्शन था, ऑप्शन था। और इंडिया में दूसरे मिल्स ने भी जहां तक हमें पता है चेन्नई और काफी सारे प्लांट्स ने लगातार पेपर को मैन्युफैक्चर किया है 2019 तक भी, राइट। बट स्टिल इतनी भी इंफॉर्मेशन आई है जैसे कि हम जैसे कि अभी हम स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से एक तरीके से एक आवाज उठी है कि आत्मनिर्भर भारत। चलिए, आत्मनिर्भर भारत की बात जब उठी है तो मैं एक चीज डेफिनेटली आपसे जानना चाहूंगा कि जब एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट जो पेपर मिल है हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन, जिसके सामने हम खड़े हैं अभी, ये एक साल में 1,00,000 टन ईच यूनिट 1,00,000 टन मैन्युफैक्चर करता था। yes. और जब ये बंद हो गया 2015 पे, उसके बाद इंडिया ने कहां से वो चीज इंपोर्ट की? वही तो सर सबसे बड़ा सवाल आज का दिन में वही है, वर्क का बिल। ओके, तो वो जो डिफरेंस है बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि
ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास ऑप्शन था, बट उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से इस चीज को हायर किया. गवर्नमेंट का पेपर मिल होते हुए उसे बंद कर दिया गया किसी ना किसी रीजन के लिए. उस रीजन पे हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं. बट स्टिल हम लोगों ने दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट किया रॉ मटेरियल या पेपर्स को इम्पोर्ट किया. स्पेशली उसमें चाइना भी इन्वॉल्व है, जिसके आर्टिकल्स अभी राइट या लेफ्ट में कहीं शो कर रहे होंगे, तुम लोग दिखाई देगा तुम लोग को. और यहाँ पे या फिर आई बटन पे मैं डेफिनेटली लिंक अप दे दूंगा. यहाँ पे मेंशन करा होगा कि इंडिया ने 2019 तक दूसरी कंट्री से पेपर्स इम्पोर्ट किए हैं, जब खुद के पास अपना इतना बड़ा एशियाज लार्जेस्ट पेपर कॉर्पोरेशन था, स्टील दूसरे कंट्री से चाइना से पेपर इंपोर्ट करने का कोई जरूरत था नहीं, राइट? जरूरत नहीं था. अगर हम दूसरे कंट्री से कोई भी चीज इंपोर्ट करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा होती है, राइट? हाँ, और जो चीज हम अपने पास मैन्युफैक्चर कर सकते हैं उसकी कॉस्टिंग भी कम होगी, ट्रांसपोर्टेशन भी कम होगा, और लोगों को कम चीज कम दामों में हम अवेलेबल कराएंगे. वैसे अंकल हम आपसे बात कर रहे थे, आपने पहले एक बात बोली थी कि पहले पेपर कितने में मिलता था हम लोग को इंडिया में, जैसे पहले न्यूज पेपर 2 रुपया 3 रुपया के अंदर में न्यूज पेपर मिलता था. अभी वो न्यूज पेपर 12 रुपया 13 रुपया मिलता था. जैसे बच्चे के लिए कॉपी लिया जाता था 10 रुपया 5 रुपया में कॉपी लिया जाता था, जैसे आप लोग पढ़ते थे इस टाइम में कॉपी लिया जाता था 5 रुपया 10 रुपया में, हम लोग लेते थे बच्चे लोगों को देते थे. अभी वही कॉपी 50 रुपया बिक रहा है, राइट? अगर हमारा ये मिल चालू रहता और एक कॉपी आज 50 रुपया मिलता था तो ये तो सुना में सुहागा हो जाता. ओके, आत्मनिर्भर भारत. तो एक पॉइंट यहाँ पे एक और बात आती है, जो पेपर्स हम लोग 2-2.5 रुपए में पहले खरीदा करते थे, आज उस पेपर की कॉस्टिंग 12 रुपए से 13 रुपए तक कॉस्टिंग आती है. और जो कॉपी या बुक्स हम लोग स्टडी के लिए लिया करते थे उसकी कॉस्टिंग जो वहाँ पे पहले 10 रुपए 20 रुपए या 50 रुपए तक की आती थी, आज उसकी कॉस्टिंग 200-100 रुपीज़. और क्लासमेट ये सब जो कॉपीज जो हैं जो कि हम दूसरे जगह से लाते हैं वो शायद भाई 120 रुपए की तो आती है एक कॉपी, 60-70 के नीचे तो वैसे भी कॉपीज नहीं आती है. बट अगर ये इंडिया का मिल चल रहा होता तो उसकी कॉस्टिंग आज भी उतनी ही होती, उतनी ही थोड़ी सी बड़ी होती है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी, बट इतनी ज्यादा नहीं होती. मतलब अभी अप्रोक्सीमेट हम 10 डबल दाम दे रहे हैं, 10 डबल दाम हम देने को देना चीज है सर. अपना देश का गवर्नमेंट इंडस्ट्री को बंद रख के इतना सारे आदमी को जॉबलेस बना के हम वही प्रोडक्ट फॉरेन से मंगाएगा तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए तो अपना देश का इंडस्ट्री को आपका बढ़ाना चाहिए, अपना देश का आदमी लोग को आपका जॉब देना चाहिए, तब तो आत्मनिर्भर बनेगा. तो अभी हम लोग का वही सवाल है जो हमारा प्रधानमंत्री जी जो स्लोगन दे रहा है, हम लोग का बहुत अच्छा लगा है, हम लोग भी सपोर्ट करते हैं वही स्लोगन को. लेकिन हम लोग का यही विनती है जो अपना देश का जितने सारी इंडस्ट्रीज है, अपना हमारा इतना बड़ा पेपर मिल है, उनको रिवाइव करके उनका उसका अंदर में आपका पढ़ा लिखा करने का लड़का लड़की लोग को नौकरी दीजिए, उसका बाद वो ऑटोमेटिकली अपना देश आत्मनिर्भर बन जाएगा. एब्सोल्युटली राइट. इनफैक्ट जहाँ तक हमें पता है कि ये कोरोना वायरस के टाइम पे ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है, यहाँ पे सिर्फ मास्क और पीपीई किट बनाने के मोर देन 700 फैक्ट्रीज इंडिया पे आ चुके हैं. 700 फैक्ट्रीज इंडिया पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अपने घर पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मास्क को, अलग अलग जगह पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. बट इन द लार्जेस्ट प्रोडक्शन पे जहाँ पे इंडिया का या इंडिया के बच्चों का या फ्यूचर का फायदा होगा, जहाँ पे उस इंडस्ट्री को बंद करके दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट किया जा रहा है रॉ मटेरियल या पेपर्स को, ये किसी भी एंगल से सही नहीं है. वैसे एक चीज़ और भी है, काफ़ी लोग को समझ में आ रहा होगा, हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन जब बंद हुआ था उसमें 2 लाख इंप्लॉइज काम कर रहे थे लगभग. एक्चुअली है क्या, सबसे बड़ी चीज ये है कि यह इकाई जहाँ पर है यह सिर्फ अकेली इकाई है, यह कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, यहाँ सिर्फ एक उद्योग है जिससे जुड़े हुए लाखों लोग हैं. 1200 हमारे अस्थाई कर्मचारी हैं जो HPC की यूनिट में काम करते हैं जागी रोड और कचार में. इतने लोग इनसे जुड़े हुए हैं, ये सारे लोग बेकार हैं, बेरोजगार हैं. अगर इसे अब नहीं चालू किया जाए तो इस इलाके की क्या दशा होगी, सबसे बड़ा चिंता का विषय है. यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ के बच्चे कहाँ जॉब पाएंगे, यहाँ के रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कहाँ होगा, सबसे बड़ी बात इज एक्चुअली राइट. इनफैक्ट जैसे कि इन्होंने बताया कि हम थोड़ी देर में अभी HPC टाउनशिप में भी जाने वाले हैं, जहाँ पे इनकी फैमिलीज रहा करती थी, 2 लाख इंप्लॉइज की फैमिली रहती थी, आज उसकी क्या कंडीशन हम थोड़ी देर में डेफिनेटली कैप्चर करने वाले हैं. इनफैक्ट एक चीज और बताना चाहूंगा कि 2 लाख इंप्लॉइज यहाँ काम करते थे, अब 2 लाख इंप्लॉइज की कितनी फैमिली होगी. अगर एक इंप्लॉय के घर में 3 लोग से 4 लोग भी हैं तो 2 लाख को आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, वो आप खुद से कैलकुलेशन कर लो. अप्रोक्सीमेट यहाँ पे करो 2 लाख डायरेक्टली डायरेक्ट इनडायरेक्टली आ रहा है, अभी उससे बहुत ज्यादा है रेशियो. तो एग्जैक्टली हम वो बोल भी नहीं सकते कि कितने लोग की जिंदगी यहाँ पे दाव पे लगी है, हम बहुत लेट हैं इनफैक्ट, बट कोशिश कर रहे हैं. एक सप्लायर हेलोजन मेटल्स
वो पार्टी का 98 लाख का एक पेमेंट एचपीसी देना ही पाया था, उसका चलते 2016 में नेशनल लॉ कंपनी ट्राइब्यूनल में वो लोग एक डिस्प्यूट किया था। तो डिस्प्यूट होने करने का बाद 2018 में नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल आपका एचपीसी को इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर किया। इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर देने करने के बाद इधर एक इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आईआरपी मिस्टर कुलदीप वर्मा बोल के एक आदमी को इधर अपॉइंटमेंट दिया गया है प्रोसेस करने के लिए। तो उसका बाद में क्या हुआ, तो लास्ट में सेकेंड में 2019 में एनसीएलटी कोर्ट ने लिक्विडेशन डिक्लेयर कर दिया। जब हमारा अथॉरिटी वही सप्लायर पार्टी को पेमेंट दे नहीं पाया तो लिक्विडेशन डिक्लेरेशन कर दिया। लिक्विडेशन डिक्लेयर किया था कितने अमाउंट के लिए? 98 लाख। लेकिन आश्चर्य की बात यही है, जब हमारा अथॉरिटी एक पार्टी को 98 लाख दे नहीं पाया, इसी वक्त में वो लोकोमोटिव एक इंजन इधर मंगाया था, उसको आज तक तो ट्रायल रन भी नहीं हुआ, कमीशनिंग भी नहीं हुआ, लेकिन 1.33 crore वो पार्टी को पेमेंट रिलीज कर दिया पर्टिकुलर टाइम, उसी टाइम में पेमेंट उसी हुआ उसी उसी वक्त में। वो इंजन हमने देखा भी, हाँ उधर पड़ा हुआ है, उसको कमीशनिंग भी नहीं हुआ आज तक, ट्रायल रन भी नहीं हुआ, उसके लिए पैसे थे, उसके लिए पैसे थे, लेकिन वो पार्टी को 98 लाख वो लोग दे नहीं पाया, उसका चलते हमारा मिल कंपनी लिक्विडेशन में चला गया है। तो लिक्विडेशन में तो सर लिक्विडेशन पे चला जाने के बाद 98 लाख के लिए दे नहीं पाए। इधर लास्ट में एपिलेट कोर्ट नेशनल कंपनी एपिलेट ट्राइब्यूनल जो है एनसीएलएटी एपिलेट कोर्ट ने स्कोप दिया था इधर लिक्विडेटर को, जो कोई थर्ड पार्टी मिलने से वो मिल थर्ड पार्टी का हाथ में हैंडओवर करने के लिए और थर्ड पार्टी चलाने के लिए आएगा तो मिल चलाएगा और जितना सारी एम्प्लॉयज लुक है वही प्राइवेट पार्टी का साथ चला जाएगा, लेकिन कोई थर्ड पार्टी भी आया नहीं। लास्टली महालक्ष्मी कॉन्टिनेंटल एक पार्टी है, वो लोग एक रिजोल्यूशन प्लान सबमिट किया था, लेकिन वो प्लान रिजेक्ट हो गया, टेक्निकल बहुत सारी रीजन था जरूरी, इधर हमारा बैंकर्स जितने सारे बैंकर्स था वो बैंकर्स लोग वो एग्री हुआ नहीं और बेसिकली उनके नॉर्म्स क्लियर नहीं हुए। यस नॉर्म्स क्लियर नहीं थे। सितंबर 14 सितंबर 2020 में नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल दिल्ली बेंच में हम लोग का एक हियरिंग है, लास्ट हियरिंग, जो हियरिंग में आबार रीफॉर्म होने का चांसेस ज़्यादा है लिक्विडेशन के अंदर में आसाम गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बात करके दो मिल रिवाइवल के बारे में और एम्प्लॉयज का ड्यूज क्लियर करने के बारे में वो लोग एक स्टेप लेने जा रहा है। बट द थिंग इज व्हाट कि प्रैक्टिकली ये बात जो है ये बोलने वाली बातें हैं कागज की, क्योंकि अगर जो मिल 5 साल से बंद पड़ा हुआ है, 2015 से जो मिल बंद हुआ है 20 अक्टूबर से, आज 2020 के एंड अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं है प्रैक्टिकली। सुप्रीम कोर्ट में अगर डेट चल रहे हैं, हाई कोर्ट में डेट चल रहे हैं, एक्चुअली प्रैक्टिकली एक्चुअली डजंट मैटर, ये मैटर कर नहीं रहे, नहीं तो 5 साल में इसका आ जाना था कोई ना कोई जरूर जरूर। तो अल्टीमेटली उसका भी वही रिजल्ट आने वाला है जो ऑलरेडी पहले से कुछ प्री प्लान है, उसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, डोंट कोट मी ऑन दैट बिकॉज इट क्वाइट ऑब्वियस कि ये सबको समझ में आ रहा है। जहाँ पे 98 लाख रुपीज के लिए लिक्विडेशन करने की बात कर दिया गया, वहाँ पे 1 crore कितने अंकल 33 lakh 1 crore 33 lakh का इंजन खरीदा गया विदाउट क्लियरेंस, जो इंजन कमीशनिंग भी हुआ नहीं, ट्रायल रन भी नहीं हुआ, जो कि ट्रायल रन भी नहीं हुआ है जो हम अभी देख के आ रहे हैं। यस यस। दूसरा बात है, देखिए सही वक्त में हमारा आसाम गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया हम लोग वेलकम करता है, लेकिन पहले हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट या तो आसाम गवर्नमेंट कोई कदम उठा लेता सही वक्त पर तो हमारा मिल का 71 एम्प्लॉयज का डेथ नहीं होना पड़ता, उसका बीच में तीन आदमी को सुसाइड करना पड़ा है। उसका कारण एक ही है, जो इतना लॉन्ग टाइम से हम लोग का सैलरी बंद है, एम्प्लॉइज ने अपनी नौकरी खो दी, उनकी फैमिली के पास कुछ ठिकाना नहीं था, खाने पीने के वांदे पड़ गए थे, उस सिचुएशन पे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सुसाइड किया, इन लोगों ने अपनी जान दे देना वहाँ पे ज़्यादा आसान समझा। तो उनमें से अभी एक अंकल हमारे साथ है, थैंक यू सो मच अंकल आपको हमारे साथ बात करने के लिए। सो आपने अपनी फैमिली खोई है इस सिचुएशन पे, तो आप कुछ बताएंगे अपना एक्सपीरियंस कि एग्जैक्टली हुआ क्या था? हाँ, हमारा तो ये जब मिल बंद हुआ था, बंद होने के बाद में हमारा तो वो जितना हमारा पैसा मतलब जो था, अभी तो सैलरी बंद हो गया हमारा, वो जितना मतलब थोड़ा थोड़ी मतलब इधर इधर थोड़ा सेविंग्स था वो भी ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद भी हमारा पास और कोई चारा नहीं, तो हमारा अचानक इस 2020 में हमारा एक लड़की का मतलब बीमार हो गया, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था,
तो मेडिकल कॉलेज ले गया, हमारा पास पैसा नहीं है, तो उसका बाद देखा है वो इन लोग बोल रहा है अभी तो बाहर में ले जाना पड़ेगा उसका, तो मतलब बाहर में इलाज करना पड़ेगा, हमारा पास पैसा नहीं, हम गौर लेने का बाद में मतलब पैसा का अभी थोड़ा इधर इधर देख रहा है मेडिकल कॉलेज सिलचर, सिलचर नहीं कर नहीं सपोर्ट नहीं कर पाया, तो उसका बाद में तो मतलब वो 10-12 रोज बाद में हमारा मैं गुजर गया, तो उसका बाद ये 25 दिन का अंदर में हमारा विशेष हार्ट अटैक कर दिया, मतलब घर में भी खाना नहीं और बीमार का बीमारी है, मतलब और कहाँ से खाऊँ और कहाँ से मतलब पैसा हमारा मतलब ये चलने का हमारा कोई रास्ता नहीं। डेफिनेटली अंकल देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं, क्या होता है, ठीक है। और ऐसा हमारा और भी बहुत कोलिक लुक का है, किसी का बच्चा कुया है, किसी का माँ कुया है, किसी का पिता कुया है, किसी मतलब खुद कू गया है, ये सब। गाइज मैं इसके ऊपर और कुछ बोलना चाहता भी नहीं हूँ, ये आप खुद ही जज कर लो। सो गाइज एक बात और है, यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने 10 ईयर्स का करियर स्टार्ट नहीं किया था, यहाँ पे नॉट इवन कम्प्लीटेड 10 ईयर्स और 5 ईयर्स ऐसे भी लोग हैं, और साथ में इस समय सडनली ये पेपर जॉबलेस हो गए, और इट क्वाइट ऑब्वियस कि अभी ये कहीं जा भी नहीं सकते उस आशा में कि ये स्टार्ट हो जाए, और कहीं जा भी नहीं सकते, अल्टीमेटली उनका करियर तो खराब हुआ ही है। हेलो व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली? एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग को 2007 में नौकरी मिला है। ओके, एक साल ट्रेनिंग। कैसा था आपका एक्सपीरियंस, आपको एचपीसी में नौकरी मिला? बहुत खुश थे। ओके, आशा था हमारा फ्यूचर और ब्राइट होगा। ओके, लेकिन ये एक जस्ट लाइक अदर फैमिली। ओके, लेकिन ये हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गया है। आज हम लोग 13-14 साल का नौकरी करने के बाद आज ऐसा परिस्थिति हो गया है, 45 महीने से सैलरी नहीं है, फिर भी हम आते हैं इस मिल के लिए काम करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे रहना पड़ता है, इलेक्ट्रिक चल रहा है, पानी का चल रहा है, ऑफिस चल रहा है, मतलब सैलरी मिले भी ना आप लोग फिर भी हम काम कर रहे हैं, विदाउट सैलरी काम कर रहे हैं, विदाउट सैलरी आप 4 साल से काम कर रहे हैं, 4 साल हम अभी निकल रहे हैं, काम करके निकल रहे हैं इस आशा में कि हम लोग शायद ये मिल चलेगा, हम लोग कुछ मिलेगा, और नहीं तो देखिए हम लोग का 40 साल 45 या सबका हो गया उम्र, कहाँ दूसरा जगह में नौकरी मिलेगा। ओके, ये अगर चलेगा तो हम बचेंगे, नहीं चलेगा तो हम हमारा तो दूसरी जगह में काम करेगा, और फिर ये चालू हो गया तो आना भी मुश्किल है, वो सब छोड़ना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट हमको देखे, कुछ कीजिए, हम लोग का लाइफ बचाइए, लाइफ पूरा पड़ा हुआ है, हम लोग का बीबी बच्चा सब है, देखिए उसके अलावा तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। सो गाइस कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जॉब को स्वाइप अप नहीं कर सकते हैं किसी और जॉब के साथ, बिकॉज ये यहाँ पे ऑलरेडी 5-10 साल से काम कर रहे थे, एग्रीमेंट में थे, सडनली मिल बंद हो गई, बट उनको 4 साल से कोई सैलरी नहीं मिल रही, बट स्टिल ही इज वर्किंग, वो लगातार काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वन रीज़न, कि एक दिन ये मिल स्टार्ट होगा और उनकी फैमिली पहले की तरह अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी। थैंक यू सो मच भैया, ऑल द बेस्ट, कोशिश करेंगे, देखते हैं कुछ कर सकते हैं क्या, हम लोग का दुआ रहेगा, हम लोग का दुआ रहेगा आप लोग का, धन्यवाद। सो गाइस सबके साथ बात करने के बाद वी थॉट कि हमें ऊपर आना चाहिए टाउनशिप में और देखना चाहिए यहाँ की एग्जैक्ट कंडीशन क्या है घरों की। वैसे भी ज़्यादातर लोग वापस जा चुके हैं, कहीं ना कहीं जा चुके हैं, कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, बिकॉज उनके पास वैसे कोई ऑप्शन थे नहीं पहले की तरह। बट ये है पंचग्राम का केंद्रीय विद्यालय, पंचग्राम, एंड आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड, मुझे केवी से इतना लगाव तो होगा ही बिकॉज मैं खुद केवी प्रोडक्ट हूँ, और देखो ये प्लॉट भी काफ़ी सुंदर, और भाई भी केवी प्रोडक्ट है। हाँ भाई, तो ये शायद कुछ एम्प्लॉयज के ही घर थे जो कि ऑलरेडी सुनसान खंडर टाइप का हो गया। वेल गाइज भैया व्हाट डू थिंक, हम नीचे चल के देखें क्या कितने लोग के घर कैसे हो गए, तो मिलेंगे काफी सारे ऐसे घर मिलेंगे, वैसे भी ज्यादातर घर खाली है ना, मैक्सिमम खाली हो गए थे, अभी फैक्ट्री की ये हालत है, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, यहाँ पे रह के भी क्या करेंगे। कुछ स्टूडेंट से बात किया था, काफी लोगों ने बोला था भाई आओ ऐसे इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है ना, उन लोगों के साथ बात करने टाइम वो लोग बोल रहे थे कि भाई आप यहाँ पे आके कुछ सोचो, कुछ हम लोग के लिए एक इनिशिएटिव लो, बट आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं दिल से सॉरी बोलना चाहूँगा, उस समय मैं यहाँ पे था नहीं, मैं उस समय गुवाहाटी और बॉम्बे में था, तो मेरे लिए आना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। एक्चुअली इस मामले को लेके यूट्यूब में वीडियोज 2-3 मिल जाएंगे सब्सक्राइबर्स को हमारे, पर उसमें समझ में आएगा कि वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर इस प्रोटेस्ट के लिए इसके अगेंस्ट में कुछ हुआ नहीं, एक्शन कोई भी एक्शन लिया नहीं। एक्चुअली खाली प्रोटेस्ट करने से होता नहीं, उसको राइट वे के साथ राइट पर्सन को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, जो आपके जरिए होने वाला है, इसलिए प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। हमें बस उस सही इंसान की जरूरत है जिसके पास ये फुटेज पहुंचे और उसकी आवाज इतनी लाउड हो कि
गवर्नमेंट को या जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे है, जो इसे स्टार्ट करने की कैपेबिलिटी रखती है, वो निकल के बाहर आए। वैसे तो प्रोटेस्ट तो बहुत हुए थे और बहुत टाइम के साथ उन्हें बंद कर दिया गया, बट आई डोंट थिंक किसी की आवाज यूट्यूब में बंद हो सकती है। एक भी प्रोटेस्ट काम पे नहीं लगा है, नहीं लगा आज तक। जो भी प्रोटेस्ट किए यहाँ के लोकल लोग या फिर एम्प्लॉयज या एम्प्लॉयज के लड़के बेटे जो भी है, तो एक भी काम नहीं आए। क्योंकि इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वीडियो प्लीज शेयर कीजिए जितना हो सके। और ये वीडियो लंबा भी है एंड जो इस वीडियो को काट के देखेगा उसको हम बोल नहीं सकते कि आप लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया। एंड तक देखिएगा क्योंकि ये हम लोग जो दिखाए आपको अभी, ये पूरे एचपीसी का एंटर करंट सिचुएशन है। इसके साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। तो इफ यू लाइक आवर वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से ज्यादा जरूरी है इस वीडियो को शेयर करना। बहुत ही गंदी वाली वॉस्ट फीलिंग के साथ वापस जा रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ कि हम इसे कैप्चर कर पाए, बिकॉज ऑफ हम रियलाइज कर पा रहे हैं कि क्या हुआ होगा एग्जैक्टली उन लोगों के साथ जो यहाँ पे दिन रात काम करते थे, जिनकी फैमिली इस फैक्ट्री के ऊपर डिपेंड थी। 200,000 वर्कर, 200,000 एम्प्लॉयज, गाइज जस्ट थिंक, 200,000 एम्प्लॉयज और उनके पीछे उनकी फैमिली। बहुत ही अजीब लग रहा है, मूड खराब हो गया मेरे को। पता है लिटरली हमारा जो अभी एक्सीडेंट हुआ मुझे फील नहीं हो रहा है, मुझे सीरियसली अब ये तक कुछ भी नहीं। उन लोगों के अंदर जो गुजरा है ना, वो तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। एब्सोल्युटली राइट, क्यों नहीं आया। सो गाइस वहाँ पे बॉयलर है, दो बॉयलर दिख रहे हैं फिलहाल। ये थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ से उतरते हुए बात करना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। थोड़ा उतर जाते हैं हम यहाँ से। ओके सो अब हम अपनी बात करते हैं।